गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस वी वर स्टडिंग डीप वाटर बाय विलियम डगलस एंड वी हैव स्टडीड द हाफ ऑफ इट व्हेन अ बिग ब्रूजर लाइक बॉय केम एंड थ्रो द राइटर विलियम डगलस इनटू द पूल एंड ही वाज स्ट्रगलिंग टू सेव हिज लाइफ अब हम आगे पढ़ते हैं आई स्ट्रक एट दी वॉटर एज आई वेंट डाउन तो जब मैं नीचे जा रहा था उस पुल में फिर से आई स्ट्रक एट दॉटर मैंने पानी में हाथ पांव मारे अपनी जान बचाने के लिए एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एक्सपेंडिंग विस्तार करना स्ट्रेंथ मैंने ताकत यानी कि मैंने अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश की पूरे जी जान से किस तरह से एज वन इन ए नाइट मेयर बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई बुरे सपने में नाइटमेयर बुरा सपना फाइट्स एंड इजिस्टिबल फोर्स इजिस्टिबल एक बहुत ही प्रबल मजबूत शक्तिशाली ताकत जब हम किसी बहुत ही मजबूत ताकत से लड़ते हैं बुरे सपने में तो हम अपने पूरे जान लगा देते हैं अगर आपको कभी एहसास हुआ हो कि आप सो रहे हैं और अचानक से आप कोई बुरा सपना देखते हैं आपकी आवाज नहीं निकल पाती है आप चिल्ला नहीं पाते हैं कोई मूवमेंट नहीं कर पाते हैं बिल्कुल एक वैसा ही सीन क्रिएट किया राइटर ने आई हैड लॉस्ट ऑल माई जा चुकी थी माई लंग्स एकड एक दर्द होना मेरे फेफड़े दुख रहे थे उनमें दर्द होने लगा था माई हेड थ्रॉबड थ्रॉब्ड मने धक धक करना मेरा सिर धक धक कर रहा था आई वॉज गेटिंग डिजी डिजी मीन्स चक्कर आना मुझे चक्कर आ रहे थे बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी लेकिन मुझे मेरी जो सलाह थी मेरी जो स्ट्रेटी जो मेरी नीति थी जो मेरी प्लानिंग थी जो मेरी योजना थी वो तो मुझे याद थी क्या थी मेरी योजना आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल के मैं जाऊँगा पानी के तल पे पाँव रख के स्प्रिंग की तरह फिर से उछलूंगा एंड कम लाइक कार्क टू द सर्फेस और सरफेस पे पानी के बिल्कुल ऊपर एक कॉर्क की तरह आ जाऊंगा आई वुड लाइक फ्लैट ऑन दी वॉटर और उसके बाद मैं पानी के ऊपर लेट जाऊंगा स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स अपने हाथों से पानी को पटकूंगा एंड थ्रेस विद माई लेग्स अपने पाओं को पटकूंगा आगे पीछे जिस तरह से तैरने की स्थिति होती है देन आई वुड गेट टू दूल एज मीनस किनारा उसके बाद मैं किनारे पर पहुंच जाऊंगा एंड बी सेफ और सुरक्षित हो जाऊंगा यह सारी की सारी प्लानिंग है विलियम डगलस की अब लेकिन जो सोच रहा है वो हो तो नहीं रहा ना आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली मैं नीचे जा रहा हूं जा रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस तल का इस स्विमिंग पूल का कहीं कोई अंत ही नहीं है एंडलेसली अंतहीन आई ओपन माई आईज मैंने अपनी आंखें खोली नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो कुछ नहीं दिखा मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पीले पन के अलावा यानी कि वो जो पानी था उस एक पीला सा रंग लिए हुआ था और उस पानी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया डार्क वाटर वो बड़ा गहरा सा धुंधला सा पानी देन दैट वन कुड नॉट सी थ्रू सी थ्रू इसके आर पार कुछ ना दिखाई दे ऐसा गहरा सा पीला सा पानी जिसके आर पार मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था एंड देन और तभी शीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी और तभी एक गहरे आतंक ने एक डर ने एक भय ने सीज्ड मींस घेर लिया मुझे घेर लिया मुझे जकड़ लिया टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग वो डर वो आतंक जिसकी कोई सूझबूझ नहीं होती जिसकी कोई समझ नहीं होती टेरर दैट नोज नो कंट्रोल जिस पर कोई कंट्रोल कोई काबू नहीं पाया जा सकता टेरर ये ऐसा आतंक था ऐसा डर था दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड जिसे वो आदमी समझ ही नहीं सकता था कौन आदमी हैज नॉट एक्सपीरियंसड इट जो इससे न गुजरा हो यानी कि उस डर को उस आतंक को जो मैं महसूस कर रहा था वो सिर्फ वही आदमी महसूस कर सकता था जो उस डर से आतंक से कभी ना कभी गुजरा हो जिसने वो एक्सपीरियंस किया हो आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर श्रीकिंग चिल्लाना मैं उस पानी में चिल्ला रहा था आई वॉज पैरलाइज्ड मुझे एक तरह से लकवा मार गया था लकवा मीन जब इंसान के शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं पैरालाइज लकवा अदरंग बोल देते हैं यानी कि उसके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था उसके पांव नहीं हिल रहे थे हाथों की मूवमेंट कम हो रही थी तो इसे क्या लग रहा है आई वॉज मैं पानी के अंदर बिल्कुल स्थिल स्थिर हो गया हूं शिथिल पड़ गया हूं स्टिफ कड़ा रिजिड विद फियर और डर से मैं बिल्कुल जड़ हो गया हूं इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट स्क्रीम्स चिल्लाहटें थ्रोट मेरे गले में यहां तक कि मेरे गले में मेरी चीखें वर फ्रोजन जम गई थी पानी से मेरी आवाज गले से मेरी आवाज बाहर नहीं आ रही थी मुझे ऐसा लग रहा था आई वॉज डेड लेकिन सिर्फ ओनली माई हार्ट सिर्फ मेरा दिल एंड द पाउंडिंग इन माई हैड और मेरे सिर में जो जोरों की वो धक-धक की जो साउंड थी जो आवाज थी पाउंडिंग सैड दैट सिर्फ वही मुझे ये एहसास दिलवा रहे थे दैट आई वॉज स्टिल अ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ अदरवाइज राइटर फील कर रहा है कि आई एम पैरालाइज्ड मुझे लकवा मार गया है आप शरीर के अंगों में कोई जान बाकी नहीं है टेरर और तभी उस आतंक के बिल्कुल बीचों बीच जब राइटर उससे गुजर रहा है तभी उसकी तर्क शक्ति ने काम किया रीजन तर्क बुद्धि क्या आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प वैन आई हिट द बॉटम फिर से वही बात कि मैं जब बॉटम को तल को छूंगा तो मुझे जंप मारना याद रखना है मैं एक बार फिर से जंप लूंगा एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी आखिर मुझे अपने पांव के नीचे टाइल्स महसूस हुई माई टोज रीस्ट आउट मेरे पांव के अंगूठे मेरे पांव के अंगूठे वहां तक पहुंचे एज इफ जैसे कि टू मैं उन्हें पकड़ लेना चाहता हूं जकड़ लेना चाहता हूं अच्छी तरह से उन पर पकड़ मजबूत कर लेना चाहता हूं ग्रैब पकड़ना और पूरा जोर लगा के आई जंपड विद एवरीथिंग आई हैड मैंने जितनी भी ताकत एवरीथिंग आई हैड यहां जितनी भी ताकत मेरे अंदर बची थी मैंने वो ताकत इकट्ठी करके फिर से एक जंप लगाया बट द जंप मेड नो डिफरेंस लेकिन मेरी उस छलांग ने मेरी उस कोशिश से कोई फर्क नहीं पड़ा मेड नो डिफरेंस द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी अभी भी मेरे इर्द गिर्द पानी ही था आई लुकड फॉर रोप्स लेडर्स वाटर विंग्स मैंने हाथ पाँव मारकर रस्सी ढूंढनी चाही मैंने लेडर्स सीढ़ियों की तलाश की कि मुझे कहीं से कोई सीढ़ी मिल जाए वाटर विंग्स पानी वाले वो पंख जिनको हाथ और पांव में लगाकर तैरा जाता है वो ढूंढने चाहे नथिंग लेकिन कुछ भी नहीं मिला मुझे बट वाटर पानी के सिवा मैं जहां भी हाथ मार रहा था या ढूंढने की कोशिश कर रहा था मुझे पानी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया देखिए यहाँ हम राइटर की जो मनोदशा है वो बिल्कुल वैसी ही है हमने एक कहावत सुनी है कि डूबते को तिनके का सहारा इस समय राइटर हर संभव कोशिश कर रहा है कि उसे कोई ऐसी चीज़ मिले जिसे पकड़कर वो इस पूल से बाहर निकल सके नथिंग बट वॉटर मुझे कुछ नहीं मिला पानी के अलावा एक, एक पीलापन एक पीला लिए हुए जो पानी था उसने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था स्टार्क टेरर टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी उस गहरे आतंक ने मेरे ऊपर एक गहरी पकड़ बना ली वो डर मेरे बहुत ही डी पर अंदर तक बैठ गया लाइक like किस तरह से लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बिजली और चार्ज मीन्स एक तरह से बिजली का झटका जैसे कोई बिजली का बहुत तेज झटका लगता है उसी तरह से वो डर मेरे अंदर बैठ गया उसने मुझे पूरी तरह से झकझोर दिया आई शुक मैं कांपा शुक मीन्स कांपा एंड ट्रम्बल विद फ्राइट फ्राइट डर और डर से कांपने लगा ट्रेम्बल मीन्स भी कांपना है शुक मने हिलना कांपना सेम है आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट मैं डर से कांपने लगा माई आर्म्स वुडेंट मूव मेरे हाथ कोई मूवमेंट नहीं दे रहे थे मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे माई लेग्स वुडेंट मूव मेरी टांगे नहीं हिल रही थी जवाब दे चुकी थी आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प मैंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की टू कॉल फॉर मदर देखिए इंसान जब दुख तकलीफ में होता है तो सबसे पहले किसे याद करता है अपनी माँ को मैंने अपनी माँ को पुकारा लेकिन नथिंग हैप्पन कुछ नहीं हुआ किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी मेरी आवाज किसी तक पहुंची ही नहीं नथिंग हैप्पन एंड देन और तभी स्ट्रेंजली बड़े ही विचित्र ढंग से अजीब ढंग से देर वॉज लाइट मुझे उजाले का अनुभव हुआ आई वॉज कमिंग आउट ऑफ दफुल येल्लो वॉटर मैं उस आफुल डरावने भयानक येल्लो वॉटर उस पीले पानी से कमिंग आउट बाहर आ रहा था एटलीस्ट माई वर कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ चुकी थी माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू और मेरी नाक भी लगभग बाहर आ चुकी थी Then I started down a third time. उसके बाद तीसरी बार मुझे नीचे जाना पड़ा तीसरी बार मैं अपने आप को नीचे जाते हुए देख रहा था आई सख फॉर एयर मैंने हवा चाही मैं हवा चाहता था अपने आप को जिंदा रखने के लिए उस पानी में संघर्ष करने के लिए एंड गॉट वाटर मैंने हवा खींचनी चाही, लेकिन मुझे मिला क्या पानी द येलोइश लाइट वाज गोइंग जो प्रकाश था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था देन ऑल एफर्ट सीज एफर्ट कोशिश सीज्ड मैंने खत्म होना तब हुआ क्या मेरी सारी कोशिशें खत्म हो गई आई रिलैक्सड मैंने अपने आप को बिल्कुल आराम की स्थिति में पाया इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प यहाँ तक कि मेरी टांगें पूरा जवाब दे चुकी थी स्थिर हो गई थी शिथिल पड़ गई थी एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ड ओवर माई ब्रेन ब्लैकनेस और एक अंधेरा मेरे दिमाग पर हावी हो चुका था उसने मेरे दिमाग को घेर लिया था उस सिचुएशन में अब राइटर क्या कहता है इट वाइप आउट फियर अब जो मेरा डर था वो खत्म हो गया था मिट गया था इट वाइप आउट टेरर वो आतंक मिट गया था चला गया था देर वॉज नो मोर पैनिक अब किसी तरह का कोई डर बाकी नहीं रहा इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल अब बिल्कुल शांति थी नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अब किसी चीज से किसी तरह का कोई डर नहीं था दिस इज नाइस अब अच्छा लग रहा है टू बी ड्राउजी अब मुझे नींद आ रही है ऊँग रहा हूँ टू गो टू स्लीप अब मुझे सोने जाना है नो नीड टू जम्प अब मुझे जंप करने की कोई जरूरत नहीं है टू टायर्ड टू जम्प टू टायर्ड टू जम्प मतलब अब मैं इतना थक चुका हूँ कि मुझसे जंप भी नहीं होगा इट्स नाइस टू बी कैरियड जेंटली बहुत अच्छा लग रहा है कोई मुझे बड़े प्यार से ले जा रहा है मैं एक तरह से टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में फ्लोट मींस तैर रहा हूँ हल्का हो गया हूँ टेंडर आर्म्स अराउंड मी कोमल टेंडर मींस कोमल कोमल सी बाजुओं ने मुझे उठा रखा है मेरे इर्द गिर्द हैं टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स मेरी माँ की जैसी कोमल बाजू मेरी माँ के कोमल हाथ नाउ अब आई मस्ट गो टू स्लीप अब मुझे सो जाना चाहिए देखिए राइटर यहाँ पर उस सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहा है जब उसकी सारी की सारी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं और अब उसने अपने आप को पूरी तरह से भगवान भरोसे छोड़ दिया है कि अब जो होगा सो देखा जाएगा लेकिन तभी उसे अचानक पानी से बाहर निकलने का एहसास होता है कि जैसे कोई उसे पानी से बाहर लेकर आ रहा है अब आगे क्या है आई क्रॉस टू ओब्लिवियन ओब्लिवियन बेहोशी मैं बेहोशी की अवस्था में जा चुका था एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल कर्टन पर्दा और जिंदगी का पर्दा गिर चुका था जिंदगी का पर्दा गिर चुका था इट मीनस ये तो अपने आप को पूरी तरह से डेड मान चुका है कि मैं तो गया, मैं तो मर गया अब नेक्स्ट आई स्टमक अगली चीज जो मुझे याद है वो क्या है कि मैं stomach पेट के बल लेटा हुआ था आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड पूल उस स्विमिंग पूल के बिसाइड मीन्स के पास कि मैं पूल के पास पेट के बल लेटा हुआ था वॉमिटिंग उल्टियां कर रहा था दैप वो लड़का चैप मीन वो छोकरा, वो लड़का दैट थ्रू मी इन जिसने मुझे पानी में फेंका था वॉज सिंग और वो लड़का मेरे पास ही खड़ा था और वो क्या कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग अरे यार लेकिन मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था सम वन साइड द किड नियरली डाइड यह लड़का तो बिल्कुल मर ही गया होता नियरली डाइड मरने के बिल्कुल पास ही पहुंच गया था बी ऑल राइट नाउ चलो अब ये ठीक है लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम चलो इसे लॉकर रूम ले जाते हैं अब लॉकर रूम वो होता है किसी भी स्विमिंग पूल के पास एक जगह बनाते हैं जहां पर व्यक्ति नहाने के कपड़े वहां से पहनकर अपने कपड़े लॉकर में रख देता है तो लॉकर रूम में वो इसे ले गए, सेवन आवर्स लेटर कुछ घंटे बाद आई वाकड होम मैं घर चला गया आई वॉज़ वीक एंड ट्रैवलिंग मैं कमज़ोर था और कांप रहा था आई शुक एंड क्राइड वेन आई ले ऑन माई बेड उस रात जब मैं अपने बेड पर लेटा मैं कांप रहा था और चिल्ला रहा था चिल्ला रहा था इट मीन्स क्राई मीन्स मैं रो रहा था मैं रोया आई कुडेंट ई ईट दैट नाइट उस रात मैं खाना नहीं खा पाया नहीं खा सका फोर डेज कई दिनों तक हॉन्टिंग फीयर वॉज इन माई हार्ट मेरे दिल में वो एक डर बैठ चुका था वो मुझे बार बार परेशान कर रहा था द स्लाइटेस्ट एग्जर्जन अपसेटमी थोड़ी सी भी हरकत थोड़ी स्लाइटेस्ट जरा सी थोड़ी सी भी हरकत थोड़ी सी मेहनत मुझे परेशान कर देती थी बेचैन कर देती थी मेकिंग मी वॉबली इन द नीज मेरे घुटने कांपने लगते थे एंड सिक टू माई स्टमक और मेरे पेट में अजीब सी हलचल होती थी तो मैं परेशान हो जाता था आई नेवर वेंट बैक टू पूल उसके बाद मैं कभी पूल में वापस नहीं गया आई फियर्ड वाटर मुझे पानी से डर लगने लगा आई अवॉयडेड इट वेन एवर आई खुड मैं पानी से बचता था अवॉइड में से बचना मैं पानी से बचता था जब भी मैं बच सकता था यानी कि जैसे ही संभव हो सकता था मेरे लिए कि मैं पानी से बचूँ पूल से बचूँ मैं हर संभव कोशिश करता था अ फ्यू इयर्स लेटर कुछ सालों बाद व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स कैस्केड्स झरने जब मुझे झरनों के पानी का पता चला आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम मेरी इच्छा हुई कि मुझे उन झरनों के पानी में जाना चाहिए एंड वेन एवर आई डिड और जब भी मैं गया यानी कि मैं झरनों के पानी में गया मैं झील में गया वेदर आई वॉज वेडिंग द टी टन और बम्पिंग रिवर अब ये जगहों के नाम बता रहा है कि चाहे मैं बेशक टीटन बम्पिंग रिवर में गया और बाथिंग इन वाम लेक ऑफ द गोट रॉक्स या फिर गोट रॉक्स की पहाड़ियों में नर्म या गर्म झील में मैं नहाने गया जब भी मैं पानी में गया द टेरर दैट जिसने मुझे उस दिन उस स्विमिंग पूल में घेर लिया था जिसने मुझे जकड़ लिया था वुड कम बैक वही डर वापस फिर से मेरे ऊपर हावी होने लगता था इट वुड टेक पजेशन ऑफ मी कंप्लीटली पजेशन काबू पा लेना उस डर ने पूरी तरह से मुझ पर काबू पा लिया था माई लेग्स वुड बिकम पैरलाइज मेरे पांव काम करना बंद कर देते थे आई सी हॉरर उस जमा देने वाले ठंडे आतंक डर भय ने वुड ग्रैब माई हर्ट मेरे दिल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था जकड़ लिया था दिस हैंडी कैप स्टेड विद मी एज दूल्ड बाय रूल्ड बाय गुजरना तो जैसे जैसे साल गुजरते गए ये जो हैंडी कैप थी ये मेरी जो कमजोरी थी पानी के अंदर न जा पाना मेरा जो डर था ये मेरे साथ रहा इन canoes ऑन मेन लाइक फिशिंग फॉर लैंड लॉकड सेलमन तो जब भी कैनोज यानी कि कश्ती में मेन लेक्स पे मैं जाता था फिशिंग मछली पकड़ने के लिए यहाँ मछली का नाम भी दिया है सैलमन मछली सामन बोलते हैं मैं जब भी गया इन न्यू हेम्पशायर या जब भी न्यू हेम्पशायर जगह पर हम बास मछली पकड़ने जाते थे ट्राउट फिशिंग ऑन द डैस्यूट्स एंड मेटोलियस इन औरगॉन या औरगॉन में डेट्स और मेटोलियस में हम ट्राउट फिशिंग के लिए जाते थे फिशिंग फॉर सैलमन ऑन द कोलंबिया कोलंबिया में सलमन मछली की फिशिंग के लिए एट बम्पिंग लेक इन द दैसकेट्स या फिर झरनों के पानी में बम्पिंग लेक में जब भी हम जाते थे देखिए राइटर यहाँ कुछ जगहों के नाम बता रहा था जहां पर वो फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने के लिए जाया करता था उस घटना के काफी साल बीतने के बाद भी तो राइटर कहता है वेनएवर वेयर एवर वेंट जहां पर भी मैं गया द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वॉटर फॉलोड मी वो जो एक भयानक डर था पानी का डूबने का फॉलोड मी वो मेरे साथ साथ लगा रहा इट र्यून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स तो मेरी जितनी भी मछली पकड़ने की ट्रिप्स थी मेरी जो फिशिंग ट्रिप्स थी उसने उस पानी के डर ने रूंड वो सारी की सारी बर्बाद कर दी मेरा जो उनसे आनंद होने वाला था मुझे जो मज़ा आने वाला था वो बिल्कुल बेकार कर दिया डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉयज ऑफ कनोइंग बोटिंग स्विमिंग डिप्राइव मैंने वंचित करना छीन लेना इस पानी के डर ने मुझसे मेरी कनोइंग कश्ती चलाने की बोटिंग की स्विमिंग की तैरने की जो सारी की सारी खुशियां थी वो सब छीन ली आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर मैंने ओवरकम काबू पा लेना जीत लेना अपने इस डर को काबू पाने के लिए अपने इस डर को जीत लेने के लिए एवरी वे हर तरीका यूज किया प्रयोग किया जो भी मैं जानता था बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स लेकिन इस पानी के डर ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ रखा था फाइनली आखिर वन अक्टूबर अक्टूबर के एक दिन आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर मैंने फैसला किया कि मैं एक, एक इंस्ट्रक्टर हायर करता हूँ यानी कि मैं किसी से तैरना सीखूंगा अब इंस्ट्रक्शन लूंगा किसी से एक कोच रखा मैंने एंड लर्न टू स्विम और मैं उसकी मदद से तैरना सीखूंगा आई वेंट टू ए पूल मैं एक तालाब गया एंड प्रैक्टिस फाइव डेज अ वीक और एक हफ्ते में पांच दिन में वहां प्रैक्टिस करने लगा एन आर ईच डे हर रोज एक घंटा द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी इंस्ट्रक्टर ने मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक बेल्ट बांधी रोप अटैच टू द बेल्ट और उसके साथ एक रस्सी बांधी वेंट थ्रू ए पुली जो एक घिरनी से गुजरती थी अब आप कहेंगे घिरनी क्या है फिरनी क्या है आपने कुएं पर पानी भरते हुए एक गोल घिरनी देखी होगी जिससे हम बाल्टी को खींचने में आसानी महसूस करते हैं बिल्कुल वैसी जो उस घिरनी से गुजरती थी दैट रैन ऑन एन ओवर हेड केबल जो कि उसके ऊपर से एक केबल से बंधी होती थी और वहां से वो चलती थी यानी कि राइटर जब पानी में जाता था तो जो इंस्ट्रक्टर था वो बेल्ट उस घिरनी से गुजर कर उस आगे जाने में और पीछे लाने में राइटर की मदद करती थी किस तरह से ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोग राइटर जब पानी में जाता था तो इंस्ट्रक्टर ने उस रस्सी का एक सिरा पकड़ा होता था हेल्ड ऑन the एंड ऑफ द rope एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ और मैं आगे और पीछे होता था पानी में बैक एंड फोर्थ अक्रॉस pool. आगे गया पीछे गया इधर उधर आर आफ्टर आर आवर आफ्टर आवर घंटे घंटे बाद घंटों लगा रहता था डे आफ्टर डे मेरी यही दिनचर्या थी वीक आफ्टर वीक हफ्तों के बाद हफ्ते दिन हफ्ते यूं ही गुजरते गए ऑन ईच ट्रिप तो जब भी मैं पानी में जाता था रस्सी से बंधा हुआ ईच ट्रिप अक्रॉस पूल जब भी मैंने उस पूल को पार किया अ बिट ऑफ द पैनिक जरा सा बिट मीन्स थोड़ा सा डर का थोड़ा सा हिस्सा सीज्ड में मुझे घेर लेता था, था उस दौरान भी जबकि उस दौरान मैं रस्सी से बंधा होता था रस्सी का सिरा इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता था लेकिन वो डर फिर भी मेरे पास आ जाता था हर बार जब भी each time the instructor relaxed his hold, वो अपनी पकड़ ढीली करता था, रिलैक्सड एंड वेंट अंडर और मैं जाता था पानी के अंदर तो क्या होता था सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न वही पुराना डर जरा सा सम ऑफ दी कुछ डर आता रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज और फिर से मेरी टांगे जड़ हो जाती इट वॉज थ्री मंथ्स बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक तीन महीने लगे उस तनाव को कम होने में इट वॉज थ्री मंथ्स बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक तीन महीने तक यही सिचुएशन रही देन उसके बाद देन ही मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर फिर उसने मुझे सिखाया कि किस तरह से अंडर वाटर मुझे अपना चेहरा रखना है एंड एक्जेल एक्जेल मैंने सांस छोड़ना कि किस तरह से जब मेरा चेहरा पानी के अंदर है तो मुझे सांस छोड़नी है एक्जेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल और मुझे जब सांस लेना है इनहेल अपने अंदर सांस लेनी है तो मुझे अपनी नाक पानी से बाहर निकालनी है यानी कि सांस ले से सांस लेते वक्त जो नाक है वो पानी से बाहर हो ताकि आसानी से हम सांस ले पाए और जब पानी में सांस छोड़नी हो तो वो पानी के अंदर हो एक्जेल आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मैंने यही एक्सरसाइज सैकड़ों बार की हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके आई शेड मैंने ख़त्म कर दिया रिमूव कर दिया मैंने पार्ट ऑफ़ द पैनिक उस डर को दैट सीज मी जब मुझे घेर लेता था जब मुझे जकड़ लेता था वैन माई हैड वट अंडर वाटर तो जब भी मेरा पानी के अंदर सिर होता था मुझे वो डर आता था अब धीरे धीरे करके मैंने प्रैक्टिस से उस अपने डर पर काबू पा लिया धीरे-धीरे वो डर मैं कम कर रहा हूं नेक्स्ट उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने क्या किया इसने मुझे सांस लेना सिखा दिया पानी के अंदर और पानी के बाहर नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल उसके बाद उसने क्या किया मुझे पूल के बिल्कुल किनारे पर रखा एंड हैड मी किक विद माय लेग्स वो मेरे हाथ पकड़ लेता था और मुझे अपनी टांगे पटकने को कहता था यानी कि टांगों से तैरने की जो सिचुएशन है वो छपक छपक वाली अपने टांगों से पानी को पीटने वाली हैड मी किक विद माई लेग्स मुझे अपनी टांगों को पीटने को कहता था पानी से फोर वीक्स आई डिड जस्ट दैट देखिए हफ्तों तक मैंने सिर्फ वही किया वो क्यों करवाया इसने इंस्ट्रक्टर ने ताकि उसकी टांगों में मजबूती आए प्रैक्टिस हो स्टेमिना हो एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क शुरुआत में क्या हुआ मेरी टांगों ने काम करने से इनकार कर दिया रिफ्यूज मैंने इनकार कर देना मना कर देना मेरी टांगों ने जवाब दे दिया बट लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे लेकिन धीरे धीरे रिलैक्स्ड मेरी जो टांगे थी वो रिलैक्स हो गई वो उस चीज़ की आदि हो गई एंड फाइनली आई कुड कमांड देम अब मैं उन्हें अपनी मर्जी से चला सकता था यानी कि अब मेरी टांगे पानी की अभ्यस्त हो गई थी मैं उनसे काम ले सकता था दस इस प्रकार पीस बाय पीस थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट स्विमर इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक तैराक बना दिया एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस और जब उसने हर पीस को हर चीज को परफेक्ट कर दिया ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटेग्रेटेड होल उसने कुल मिलाकर टोटल एक मुझे तैराक बनाकर कहा इन अप्रैल ही सेड अप्रैल में उसने मुझे कहा नाउ यू कैन स्विम अब तुम तैर सकते हो डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल अब इस डाइव में डुबकी मारो एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल और इस पूरी की पूरी जो पूल पूर की लंबाई है उसे तैर कर दिखाओ क्रॉल स्ट्रोक देखिए तो इंस्ट्रक्टर ने राइटर को कहा कि अब तुम तैर सकते हो और मुझे क्रॉल स्ट्रोक में तैर कर दिखाओ आई डिड मैंने वो करके दिखा दिया द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड और एक तरह से इंस्ट्रक्टर का, का काम पूरा हो गया मैं तैरना सीख गया इंस्ट्रक्टर उसके बाद चला गया बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड लेकिन मेरा काम तो फिनिश नहीं हुआ मेरे अंदर का पूरा डर तो नहीं निकला आई वॉज नॉट फिनिश्ड आई स्टिल मुझे अभी भी हैरानी थी मैं अभी भी यही सोचता था कि इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रेकन वेन आई वॉज अ लोन इन क्या होगा यदि मैं पूल में अकेला हूँ और उस वक्त में डर जाऊं अभी तो मेरे पास ये इंस्ट्रक्टर खड़ा था मैं तैर के मैंने पूरा का पूरा पुल पूर पार कर लिया लेकिन क्या होगा यदि मैं पूरे पुल पूर में अकेला हूँ और उस वक्त में डर जाऊं तो आई ट्राइड इट मैंने कोशिश की ये सब करने की आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन मैंने पूरे के पूरे पूल पूर को स्विमिंग पूल को पार कर गया, तैर के पार किया स्वैम अप एंड डाउन टाइनी अवशेष टाइनी मैंने छोटे 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 अवशेष यानी के टुकड़ों में जरा जरा ओल्ड टेरर वही पुराना डर वुड रिटर्न लौटा वही पुराना डर मुझे फिर से थोड़ा थोड़ा सा लगा बट नाउ लेकिन अब आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर मैंने अपनी त्योरियां चढ़ाकर पूरे भ्रुकटी तान कर और पूरे गुस्से में कहा ट्राइंग टू स्केयर मी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है वेल yeah, well, देखो टू यू मैं दिखाता हूं तुम्हें लुक एंड ऑफ आई वुड गो टू अनदर लेंथ ऑफ पूल और मैं एक बार फिर से उस पूल का एक चक्कर लगा लेता था यानी कि इसने अपने डर को काबू पाया किस तरह से अपने उस डर का सामना करके अब दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई देखिए जो इंस्ट्रक्टर है वो अपना काम पूरा करके अप्रैल में चला गया है कि अब तुम बड़े आराम से तैर सकते हो मगर हमारा जो राइटर है वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है खुद से तो वो अब अपने लेवल पर पूरी तैयारी कर रहा है अपने इस पूरे डर को मिटाने की थोड़ा सा भी उसके अंदर जो डर है उसे मिटाने की और यह काम कब तक चलता है दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई जुलाई तक ही चलता है बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड लेकिन मैं तो अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल टेरर हैड लेफ्ट मुझे जो अभी भी पूरा यकीन नहीं था कि मेरा पूरा डर चला गया है सो आई वेंट टू लेक मैं फिर से नदी पर चला गया झील पर चला गया लेक वर्थ इन न्यू हेम्पशायर मैं हम्पशायर की न्यू वेंटवर्थ में गया डाइव ऑफ डक एट ट्रिग्स आईलैंड मैंने वहाँ से छलांग लगाई डुबकी लगाई एंड स्वयं टू माइल्स अक्रॉस द लेक और दो मील तक मैं तैरा टू स्वयं एक्ट आईलैंड स्वयं पैट आईलैंड तक आई स्वैम द क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक साइड स्ट्रोक बैक स्ट्रोक मैंने हर तरह से हर स्टाइल से तैराकी की पूरे जो अलग अलग तरह की स्टाइलिश तैराकी होती है जो राइटर ने उस इंस्ट्रक्टर से सीखी थी वो सब इसने ट्राई की ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न और उस दौरान एक बार वो डर वापस लौटा मैन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक जब मैं उस झील के बिल्कुल बीच में था आई पुट माई फेस अंडर मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर किया एंड सा नथिंग बट बॉटम लेस और मुझे क्या दिखाई दिया पानी ही पानी दिखाई दिया जिसका कोई अंत नहीं था जिसका कोई तल नहीं था The old sensation, सेंसेशन सनसनी वही पुरानी सनसनी रिटर्न इन मिनिएचर miniature, miniature बहुत ही छोटे रूप में जरा सी वही पुराना डर वही पुरानी सनसनी थोड़ी सी लौटी आई लाफ एंड सेड मैं हंसा और मैंने कहा वेल मिस्टर टैरर अच्छा मिस्टर डर वट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी क्या सोचते हो तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा क्या कर सकते हो तुम मेरे साथ जैसे ही मैं उसे ये बात कही इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन डर भाग गया फ्लैड भाग जाना On, और मैं तैरता रहा मैं तैरने लगा इतना सब होने के बाद भी राइटर कहता है येट आई हैड रेजिडुअल डाउट अभी भी फिर भी मुझे थोड़ी सी डाउट्स बाकी थी एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरा जो पहला मौका था इसके बाद का आई हर वेस्ट मैं वेस्ट की तरफ गया पश्चिम की तरफ अप टू दीटन टू कॉनरेड मीडोज वहाँ गया अप द कॉन रेड क्रीक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर ये सभी वो जगह हैं जो पानी से संबंधित हैं एंड कैंप इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वाम लेक वाम लेक के किनारे मैंने वहाँ कैंप अपना एक शिविर लगाया यानी कि एक तंबू गाड़ा जैसे भी द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह आई स्ट्रिप्ट स्टिफ्ट मैंने कपड़े निकालना मैंने अपने कपड़े निकाले डाइविन टू द लेक मैंने नदी में डुबकी मारी छलांग लगाई एंड स्वैम अक्रॉस टू दोर और मैंने उस झील के उस लेक के पूरे हिस्से को पार किया स्वैम अक्रॉस दोर एंड बैक और मैं वापस आया जस्ट एज डू कारपोन कॉरपोर यूज टू डू जैसे कि डू कारपोर किया करता था ये एक बहुत ही अच्छा स्विमर था जिसका एग्जाम्पल दिया जाता था डू कॉरपोरन तो बिल्कुल उसी तरह से इसने किया आई शाउटेड विद जॉय मैं खुशी से चिल्लाया एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको और वहीं सामने गिलबर्ट जो चोटी थी पहाड़ की रिटर्न द इको इको मीन्स वो गूंज उस पहाड़ी ने मेरी चीख को मेरी खुशी की चीख को मुझे वापस लौटाया बिल्कुल वैसा ही जब हम घाटियों में पहाड़ियों में चिल्लाते हैं तो हमें हमारी आवाज़ ही वापस सुनाई देती है बिल्कुल वही सीन जैसे राइटर चिल्लाया पहाड़ी ने उसकी आवाज को उसी तक वापस पहुंचाया आई हैड कनक्वेड माई फियर ऑफ वाटर कनक्वाड मैंने काबू पा लेना जीत पा लेना मैंने अपने पानी के डर पर जीत प्राप्त कर ली थी मैं पानी के डर को जीत चुका था एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग मी अब जो ये अनुभव था इसका मेरे लिए एक बहुत ही डीप मीनिंग बहुत ही गहरा अर्थ था एज ओनली दोज हो हैव नोन स्टार्क टैर और ये बात वही लोग समझ सकते हैं हु हैव नोन स्टार्क टैर जो इस गहरे भयानक डर से जूझ चुके हैं इससे लड़ चुके हैं इससे गुजर चुके हैं एंड कंक्वायरडिट और इस पर काबू पा चुके हैं कैन अप्रीशिएट वही लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे वही लोग इसे एप्रिशिएट करेंगे एप्रिशिएट करना समझ पाना इन डेथ देर इज पीस मौत में एक शांति है पीस शांति है देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ तो वो जो आतंक है जो टेरर है जो खौफ है वो सिर्फ मौत के डर में है एज रूजवेल्ट न्यू जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे व्हेन ही सेड जब उसने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ कि जिस चीज से हमें डर लगता है वो सिर्फ डर है यानी कि हम डर के सिर्फ नाम से डरते हैं बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग अब क्योंकि मैंने तो उस सेंसेशन ऑफ डाइंग मरने की सनसनी को मरने की अनुभूति को महसूस किया था और किस चीज़ को एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट और उस आतंक को भी उस खौफ को भी महसूस किया था कि वो खौफ इट कैन प्रोड्यूस वो सेंसेशन जो थी मरने की उसने जो डर मेरे अंदर पैदा किया था फ़ियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस तो उस पूरी की पूरी सिचुएशन में द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी उस मरने के डर से कहीं ज्यादा द विल टू लिव जीने की इच्छा ग्रू इन इंटेंसिटी वो बढ़ गई और गहन रूप से प्रबल साबित हुई एट लास्ट आखिर में आई फेल्ट रिलीज मैंने अपने आप को स्वतंत्र पाया आज़ाद पाया फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स मैं अब किधर भी कहीं भी घूमने निकल जाता था एंड क्लाइम द पीक्स पहाड़ियों पर चढ़ जाता था एंड टू ब्रश अ साइड फियर और अब डर को मैं अपने नज़दीक अपने आसपास कभी फटकने भी नहीं देता था यानी कि राइटर ने एट लास्ट आखिर में अपने डर पर पूरी तरह से काबू पा लिया तो प्यारे बच्चों यहाँ हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे हम इस लेसन को कर चुके हैं और अब इसके बाद इसके टेस्ट की और क्वेश्चंस की बात होगी तो मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय हैव अ गुड डे